हाय, फिर एक नया विषय लेकर आप लोग के सामने आया हूँ। एक बहुत बड़ा गंभीर मामला आया है। सवाल ये है, क्या क्रिमिनल केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी आईओ बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट में, क्या वो चार्जशीट फाइल करने के लिए पैसा का डिमांड कर सकता है या कर सकती है? सवाल ये है। सो द आंसर इज नो। ये करप्शन वाला मामला हो गया, ब्राइबरी हो गया कि चार्जशीट फाइल करने के लिए पैसा मांगा जा रहा है बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इसका इस मामले का थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूँ। या इसका तो ये है FIR कोपर खैनर पुलिस स्टेशन का, नवी मुंबई। यहाँ पे रेप केस है, इसका सेक्शन है 376 एंड 417। ये दर्ज किया गया 27 मई 2022 को। बाद में लड़के ने एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई किया और हाईकोर्ट से उसे बेल मिल गया 4 अक्टूबर 2022 को। तो ये कहानी है एक रोहित का। बहुत सारे रोहित होंगे दुनिया में। इनका कहानी यह है कि इनके ऊपर रेप केस का चार्जेस लगाया गया एक शादीशुदा औरत ने, एक बच्चे की माँ ने। उसके बाद में एंटीसिपेटरी बेल ले लिया हाई कोर्ट से, उसके बाद में श्योरिटी भी फर्निश कर दिया, उसके बाद में चार्जशीट फाइल करने का टाइम आया। तो आईओ खुद खोपे करनार पुलिस स्टेशन के इस केस का जो आईओ है, वो खुद फ़ोन करके, एक लेडी है, खुद फ़ोन करके आरोपी को बोल दिया, रोहित को, कि भाई मैं चार्जशीट फाइल करने जा रही हूँ। वो दैट मीन्स द डेट 27 दिसंबर को बोल दिया था। तो बोले कि आपका जो सीनियर है उनको बोलो, कोई जूनियर को भेजे, मुझे बात करना है। अब सवाल ये उठता है कि चार्जशीट फाइल करने के लिए वकील से बात करने का मतलब क्या है, या जूनियर से बात करने का मतलब क्या है? चार्जशीट तो डायरेक्ट फाइल किया जाता है ना। तो डिफेंस लॉयर के सामने आकर कुछ डिस्कस करके चार्जशीट तो बनाते नहीं है। अगर ऐसा है तो गलत बात है। तो पुलिस का काम है कि डायरेक्टली चार्जशीट फाइल करे। लेकिन बोले कि जूनियर से बात करने का है, सीनियर से बात करने का है। तो आरोपी ने, मेरा क्लाइंट ने मुझे बोला कि सर ऐसा ऐसा है, अभी क्या करने का। मैं बोला वेट एंड सी, चल बोल दो, थोड़ा दिन जाने दो, क्या बात करना है। बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे ऑपोजिट पार्टी है, तो हम लोग का बात करने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन फिर एक महीना गुजर गया, 27 जनवरी आ गया, तो ये जो लड़की है, कंप्लेनेंट है, औरत, ये औरत ने क्या किया, उधर उसके घर के सामने जाके कुछ हंगामा करने लग गया कि मैं सुसाइड करूँगी, मैं तेरे को मारूँगी, पीटूँगी। क्यों? क्योंकि ये जो रोहित है, इसको बेल मिल गया और वो इसे जेल में डालने में कामयाब नहीं हुई। तो जलन के मारे, फ्रस्ट्रेशन में आकर उसे धमकी भी दिया जा रहा है कि सुसाइड करेगी, ये करेगी। तो फटक से मेरे क्लाइंट ने फ़ोन किया आईओ को, बोला कि मैडम ऐसे ऐसे मामला है, मेरे घर के बगल में आकर ये कंप्लेनेंट ऐसे ऐसे कर रही है। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर लो, उसके बाद में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लेकिन फिर वो बोलती है कि रोहित, मैंने तो बोला था कि चार्जशीट फाइल करने का तुम्हारा सीनियर को बोलो कि कोई जूनियर को भेजे, मुझे बात करना है करके। तो फिर क्लाइंट ने बोला कि सर बात सुन तो लो, क्या मामला है। मैंने कहा कि वो ऑपोजिट पार्टी है, हमको बात करने का कोई मतलब नहीं है, कानून में ऐसा नहीं है कि ये ऑपोजिट पार्टी से बात करने का। हम लोग डिफेंस वाले हैं तो हम लोग नहीं बात कर सकते। लेकिन क्लाइंट ने बोला कि चलो सर ठीक है, ये काम करो, ऐसा करो, वैसा करो करके बोल दिया। तो मैंने कहा चलो चलो ठीक है। तो 27
जनवरी 2023 को मैंने मेरा जूनियर को भेजा। जूनियर को भेजने के बाद में एक शॉकिंग न्यूज़ आया। सो मेरा जूनियर खोपेकर पुलिस स्टेशन पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से जाके मिला। वो लेडी ऑफिसर है, उससे मिला तो बोलने लगे कि भाई चार्जशीट फाइल करने का है, इसलिए मैं बुलाया डिस्कस करने के लिए। मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख दोगे तो मैं फाइल करूंगी, नहीं तो मैं अपनी मर्जी से करेक्ट करूंगी, ऐसा करके बोल दिया। तो जूनियर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर ऐसे ऐसे मामला है, 2 लाख मांग रही है, ये तो बहुत ज़्यादा पैसा मांग रही है, 2 लाख मांग रही है चार्जशीट फाइल करने का। तो ये एक नया एक ट्रेंड आया है। कल तक तो सुना कि FIR फाइल करने के लिए चलो ठीक है, पुलिस वाले कुछ पैसे खाते भी होंगे, लेकिन अभी ये मामला आया है कि चार्जशीट फाइल करने के लिए 2 लाख रुपया आरोपी से मांगा जा रहा है, ये रोहित से। तो आप सवाल ये उठता है, ये आयोग क्यों मांग रही है? अभी कानून का पोजीशन बताता हूँ, लीगल पोजीशन क्या है कि अगर कोई आरोपी अरेस्ट होता है तो उसका जामीन होने के बाद चार्जशीट कभी भी फाइल कर सकते हैं। मतलब अगर वो आरोपी अगर जेल में है तो 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर, जैसा क्राइम है, क्राइम का लिमिटेशन जो है उस हिसाब से 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करना पड़ता है अगर आदमी जेल में है तो। अगर आदमी जेल में है, चार्जशीट अगर फाइल नहीं किया तो उसको ऑटोमेटिकली कंपल्सिव बेल यानी कि पक्का बेल मिल जाएगा, क्योंकि चार्जशीट जो है टाइम लिमिट में फाइल नहीं किया। अब ये रेप केस है, इसमें 90 दिन का होता है। तो दूसरा पहलू यह है कि अगर आरोपी को बेल मिला है देन वो आयो जो है वो कभी भी फाइल कर सकता है चार्जशीट, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आदमी बेल पे है। लेकिन सीरियस केसेस में क्या होता है, आदमी जेल में रहे या फिर बेल में रहे तो भी चार्जशीट टाइम पे फाइल हो जाती है। यहाँ पे फाइल नहीं किया जा रहा है क्योंकि आयो जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है स्मिता पवार करके API खोपरेकर पुलिस स्टेशन का 2 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि आरोपी जो है टंगा रहे, अपने काम पे नहीं जावे, कुछ नहीं करे, अपना आराम से पड़ा रहे और तारीख इंतजार करते बैठे, और ये फाइल करने वाली नहीं है। सो हमने इंतज़ार किया, फिर देखा तो 2-4 दिन नहीं हुआ, तो फिर मैं कंप्लेंट फाइल किया। आई जस्ट शो यू दिस वन। तो ये कंप्लेंट जो है भेज दिया कमिश्नर पुलिस नवी मुंबई को कि भाई खोपेकंदा पुलिस स्टेशन के API जो है कि 2 लाख रुपया मेरे क्लाइंट से मांग रहा है, यानी कि आरोपी से मांग रहा है। तो इसको भेजा गया 1 फरवरी 2023 और आज है 15 तारीख। तो सवाल इसका यह है कि 1 फरवरी 2023 को कमिश्नर ऑफ पुलिस नवी मुंबई को हमने कंप्लेंट किया, सीनियर PI खोपेकंदा पुलिस स्टेशन में किया, लॉ मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री में सब किया, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ। अभी 15 दिन गुजर गया, अभी तक कोई ये नहीं हुआ, यानी कि हायर अप्स को फ़ोन करने लेटर भेजने के बाद में भी इस बारे में कोई सुनवाई अभी तक हुआ नहीं है, या फिर कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी हमको कोई इंटीमेशन दिया नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पुलिस फोर्स में ये सुना था कि भाई चलो ब्राइबरी चलता है, पैसे लेते देते हैं, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आज एक अजीब वाला बात हो गया कि चार्जशीट फाइल करने के लिए 2 लाख रुपया का डिमांड किया गया है। तो आरोपी 2 लाख रुपया अगर उसको नहीं देगा तो चार्जशीट अपनी मर्जी से कभी भी फाइल करेंगे। तो इस सिलसिले में कंप्लेंट कर दिया है।
तो ये लेटर के जरिए उम्मीद किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ न्याय होगा, यानी कि चार्जशीट फाइल होगा, और ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है इसको, ये लेडी आईओ जो है इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इसी उम्मीद पे आरोपी इंतज़ार कर रहा है, यानी कि मेरा क्लाइंट इंतज़ार कर रहा है, और मैं भी देखता हूँ अगर नहीं हुआ देन द लास्ट स्टेजेस एंड द ऑप्शन इज कि हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर देंगे कि चार्जशीट फाइल करने के लिए पैसे मांगे गए, उसके ऊपर से कोई एक्शन कमिश्नर ने लिया नहीं, ऊपर से अभी तक फाइल किया नहीं, 7-8 5 महीना हो गया श्योरिटी देख के, कम से कम 5 महीना हो गया, और 27 दिसंबर को बोली थी कि मैं फाइल करता हूँ, 27 दिसंबर एंड जनवरी एंड फरवरी 3 महीना तो ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि चार्जशीट फाइल करने के लिए कोई भी आईओ पैसा नहीं मांग सकता है, दैट इज़ ब्राइबरी यानी करप्शन। ऐसे लोगों को इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए और इनके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाना चाहिए।